के दूध भी गर्म हो गया, बाप से फोन ब्लर हो गया साफ करना। और इधर मेरी काव्या भी उठ गई है ना, लोते नहीं है आज, बुरा सपना है यार इसको, इसलिए रोती रोती उठी है, लोते नहीं है ना, रोती नहीं। और आज है आखा तीज, तो आज बनाएंगे खिचड़ा, बड़ी की सब्जी और इमली का पानी। तो आज है आखा तीज, तो आप सबको आखा तीज की बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ पर तो आज बीकानेर के स्थापना दिवस भी है, और पतंग की बात किया जाए तो यहाँ पर आज के दिन बहुत ज़्यादा उठती है, वरना सब जगह संक्रांत के दिन उदाई जाती है, और यहाँ पर आज के दिन तो बस शाम को उड़ाएंगे। अभी सुबह सुबह तो सौरभ जी भी गए हैं उड़ाने के लिए, अब फिर धूप हो जाएगी तो फिर शाम को उड़ाएंगे वापस। और अब मम्मी जी भी कूट रहे खिचड़ा थोड़ी, और आज आखा तीज के दिन यहाँ पर खिचड़ा बनता है स्पेशली, वो भी साग दाल डाल के वैसे बनाते हैं, जैसे वो मूंग की दाल, मोठ की दाल, चना की दाल, बाट वगैरह सारे चावल सब करके साथ होते हैं, साग दाल का खिचड़ा बनता है, और बड़ी की सब्जी बनाई और इमली का पानी बनाया जाता है। क्या हुआ? और इमली का पानी गुड़ में बनाते हैं, लेकिन आज मैं तो शक्कर में बनाऊंगी, तो बस खिचड़ा और सब्जी वगैरह मम्मी जी बनाएंगे। चलते हैं, चले बाहर, मेरे सौरभ जी खींचड़ा कूट रहे आज आखा तीज। और इधर काव्या पहन आ रही है सैंडल भाई को, काव्या उल्टी पहनाती भाई को सैंडल, देख इस पैर की तो इस पैर में पहना दी, वो तो तैयार हो गई, लेकिन फिर भी पहना नहीं आ रही। एक चाचू आज की जुड़ो बोल रहे हैं, नो एकदम मियो मियो करते सा आज भी को एकदम बारीक कर देंगे, बोर्ड साइड रख पर क्या लाग जावेली मूसल की। तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, वो नाश्ते में आज बनाए पोए, क्योंकि अभी खिचड़ा बनने में तो लगेगा थोड़ा टाइम। टाइगर रेडी कर, एक कान में सारा फेंक दे तू, नीचे बढ़िया बेटा, इससे और है वो कांदा कांदा फेंक दे सारा, वो लग गया। हाँ तू पास चुक चुक नहीं लेना, वापिस लेके जाओ ऊपर, जो प्रज्ञान तू देख श्री मम्मी हाँ तो हाथ चलो ले जा। अब खिचड़ा बन गया और मम्मी जी अभी कान्हा जी को लगा रहे खिचड़े का भोग, और उसके बाद में सब खाएंगे। तो मैं फोटो दे रहा है चपची खाना बच्ची खिचड़ा भी बन गया, और ये है इमलानी, और ये है बड़ी की सब्जी, और ये है दोनों बैठे हैं, पहले तो चाचू और पापा के साथ में बैठे थे, अब मेरे साथ में और बैठ गए, तो खाते बिल्कुल नहीं है। हाँ ठंडा कर रहे हो, हाँ करो जिस, अरे पर क्या देख बाहर गिर रहा है, नहीं गंदी बात, इधर दे मुझे दे चम्मच, नहीं मम्मी जी ने घी बहुत ज़्यादा डाल दिया इसमें, और खिचड़ा भी बहुत सारा डाला है, और यहाँ पे गुड़ वाला नहीं बनाया, इमली वाला मैंने चीनी वाला बनाया है, वो ही गणो ही है, देख चम्मच ही छुपाई दी पूरी पर ज्ञान। अब बजे शाम के 4 और मैं आ गई ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही थी, मारवाड़ी में कहते हैं जैसे बढ़ती चाल रही है बहुत ज़्यादा, और आज तो आखा तीज है तो ज़रा हवाएं तो चलनी है, पतंग उड़ा रहे सब लोग, और अब हाँ तेनू भी उड़ानी है, इसको भी उड़ानी है, अभी देख नीचे जाएंगे ना
तो चाचू तेरे लिए भी छोड़िए गए ना पतंग खूब सारी, वो उड़ा लेना। तो पहले अब ऊपर की साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में नीचे जाएंगे, फिर शाम का खाने का टाइम हो जाएगा वापस। तो पहले फटाफट झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ रूम से। आज सुबह ने लेट हो गए थे तो बस प्रज्ञान को सुलाए, फिर मैं भी सो गई थी। तो अब आई ऊपर, तो ऊपर की क्लीनिंग कर लेते हैं। देखा भाई नीचे ऊपर जा बिट्टू, बस पहले क्लीनिंग करते हैं। मैं निकाल रही हूँ ऊपर का झाड़ू, फिर मैं सोते वगैरह दूंगी। और दोनों के दोनों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है मैं ऊपर आती हूँ ना, तो पीछे के पीछे आ जाते हैं। और देखिए कैसे करें, कव्या तो कभी कैमरे के सामने आ रही है, पूरे पलंग पे से लुट पुट हो के खेल रही है, दोनों के दोनों लगे हुए खेलने में। और मेरा झाड़ू भी निकल गया, अब दूंगी वो सोते। अब मैं बना रही हूँ कव्या और प्रज्ञान के लिए पूरी सब्जी, तो बन रही है और दूध भी गर्म हो गया, पूरी बना रही, एक बन गई, एक और बना दूँ, पहले जिमाऊँगी और उसके बाद में और बनाऊंगी। इनके भी शादी पूड़िया ही बना रही, इसमें बेसन की पूड़िया भी बना दूंगी। तो पहले पूरी सेक देती हूँ जल्दी से, दोनों की टीवी और चलाइए अभी, वरना बहुत शैतानी करते हैं। आ रहे आ रहे, अरे क्या शोर कर रहा है, उनके लेके जाती हूँ। ये नई थाली और इसका स्टिकर हम ऐसे उतारते हैं ना, तो इसकी रह जाती नीचे वाली। अब आपको मैं नया तरीके से बताती हूँ कि इसको कैसे उतारते हैं। देखिए गैस चालू है, थोड़ा सा हल्की सी गर्म कर ली, थोड़ा आराम से उतर जाएगी। ये देखिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भी छाप नहीं रही है, ऊपर उतर गई है एकदम नहीं। और ये देखिए पूरी की पूरी एकदम आराम से उतर गई। और आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मुझे बनानी है रोटियाँ। अब काव्या और प्रज्ञान ने तो खाना खा लिया है, और अब मैं बना रही हूँ बेसन के पराठे। तो सौरभ जी और काव्या पापा आ गए हैं, सब जिम रहे हैं, और मैं बना रही हूँ पराठे। तो फटाफट परोसते हैं, सीख भी गया ये। अब मैं हो गई हूँ काम से फ्री, और अभी बजे हैं 7:30। तो बस सब ने खाना खा लिया, पानी पीना है, चलो पाती हूँ, आजा पानी पाती हूँ, कावे को पीना पानी। तो सब ने खाना खा लिया, मैं पहले करूँगी दियावती करूँगी। क्या हुआ का भी टाइम हो गया था, तो अब कर लिए पूजा। तो पहले थोड़ी देर खाऊंगी हवा, क्योंकि ये अब बहुत गर्मी पड़ने लगी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और नल में से तो पानी इतना ज़्यादा गर्म आता है, बहुत गर्म आता है। बस सुबह सुबह थोड़ा ठीक आता है, ठंडा तो अब बिल्कुल आता ही नहीं है, और शाम तक तो ऐसे बहुत गर्म गर्म पानी आने लग जाता है। तो और हाँ, आज मैं आपको बताना भूल गई, हम मम्मी जी तो बाहर झाड़ू निकाल रहे थे गिलहरी में, और प्रज्ञान है फ्रेस नीचे रखी हुई, तो पिन के अंदर डाल के स्विच ऑन करके फिर पलंग के ऊपर फ्रेस करा था वो। तो मम्मी जी अंदर आए, तुरंत बंद कर दी, और गर्म भी हो गई थी ऐसे। आज तो हाथ पता नहीं क्या क्या जलता, जलते जलते रह गया, कपड़े जलते, हाथ पैर जल जाते, मुँह के लग जाती, पता नहीं। भगवान का शुक्र है कि बच गए, मम्मी जी ने तुरंत ध्यान दे दिया। मैं तो किचन में थी उस टाइम, और मम्मी जी एक रूम में से साइड में से जा रहे थे, तो ध्यान चला गया। बस पता है इतना शैतान हो गया आजकल, कोई हद नहीं है। और अब पहले थोड़ी हवा खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। खाना वगैरह तो सब ने खा लिया है, सौरभ जी अभी पतंग उड़ा रहे, तो वो आएंगे उसके बाद में खाएंगे। और मैं भी पहले ऊपर जाके कूलर भरूंगी, और मैं खिड़की वगैरह खोल के आऊँगी, क्योंकि पूरे दिन में रूम पूरा गर्म हो जाता है। तो बस कूलर भर के आती हूँ, पहले हवा ही खा लेती हूँ, और फिर आके खाना खाएंगे। और आप भी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो मैं थाली का आइडिया, जो थाली गरम करके फिर उसकी एकदम सही से उतरता है, वो आइडिया आपको कैसा लगा उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हवा खाते पहले, अभी आपको आज का मौसम बताती हूँ। देखिए फटाखे वगैरह फूट रहे हैं,
अब पतंगे उड़ना बंद और मौसम बादल होके रखे। आज के वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। और आज के दिन पतंगे इतनी ज़्यादा उड़ाई जाती, और आज का तो मौसम भी बहुत ही अच्छा था, हवाएं भी अच्छी चल रही थी, तो पतंगे भी खूब उड़ी थी, लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई तो आपके साथ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। दादा।